हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए अब मैं बिना वक्त ज़्यादा वेस्ट किए हुए सीधा कहानियों पर आता हूँ। ये घटना फिलीपींस के एक लड़के के साथ घटी थी जो कि उसने इंटरनेट पर पोस्ट की हुई है। अब मैं कहानी उसी के शब्दों में बताता हूँ। ये घटना या फिर यूँ कहूँ ये घटनाएं उस समय की हैं जब मैं हाई स्कूल में था। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ही बुरा समय चल रहा था। उस समय मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर पे अकेला रह रहा था क्योंकि मेरे पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। और वो चूँकि मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो मैं इतना बड़ा हो गया था कि मैं घर पर अकेले रुक सकूँ। मेरे घर पर एक कुत्ता और एक पालतू बिल्ली है जिससे मुझे अकेले रहने में ज़्यादा डर तो लगता नहीं है। लेकिन उन कुछ रातों में मैंने कुछ ऐसा देख लिया या कुछ ऐसा महसूस कर लिया कि जिससे मैं अभी तक पूरी ज़िंदगी उबर भी नहीं पाया हूँ। ये घटनाएं शुरू हुई हमारे स्कूल के एनुअल डे वाले दिन से। एनुअल डे हमारे स्कूल में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पूरा दिन बिल्कुल अच्छे से बीत गया और उस दिन का क्लीनिंग इंचार्ज हमारे स्कूल में मैं था। तो जब रात में करीब 8-9 बजे तक सारा फंक्शन ख़त्म हो गया, उसके बाद सफाई करने की जिम्मेदारी हमारी थी। सब कुछ निपटा के रात के करीब 12-12:30 बज गए होंगे जब मैं घर के लिए स्कूल से निकला। बाहर पूरा चांद निकला हुआ था क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी। बेशक हम लोग थके हुए थे लेकिन फिर भी हमारे चेहरे पे स्माइल थी क्योंकि हमने इस इवेंट को बहुत ही इन्जॉय किया। मैं अपने घर पे सबसे पहले पहुँच गया क्योंकि स्कूल से सबसे नज़दीक मेरा ही घर था और ये सब घटनाएँ भी उस तभी से शुरू हुई। मेरे घर पहुंचते ही मेरे पालतू कुत्ते बिल्ली मेरे पास आए और मैंने उनके साथ थोड़ी देर खेला और उसके बाद अंदर जाके कुछ खाना वाना खाया और उसके बाद मैं बेड पे लेट गया। अभी मैं बेड पे लेटा ही था कि मुझे छत के ऊपर से कोई आवाज़ सी आई, किसी सामान के गिरने की। मैंने सोचा कि शायद किसी जानवर का काम होगा। लेटे लेटे अब मैं घड़ी के कांटे हिलने की आवाज़ें आराम से सुन सकता था। मैं छत को घूर ही रहा था कि मुझे अचानक से छत के ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी नीचे नीचे गिरते हुए दिखी और ऊपर से धम धम की जोर से आवाज़ आने लगी। ये मैं देखते ही बहुत डर गया। मैंने फ़ौरन अपने आप को ब्लैंकेट से ढक लिया और अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर तभी मुझे किसी के कलन में कदमों की आवाज़ आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैं ये सारी आवाज़ें सुन सकता था जो कि ये बता रही थी कि छत पर कुछ न कुछ चीज़ उधम मचा रही है। ये सारी आवाज़ें करीब 30 सेकंड तक आई और उसके बाद बंद हो गई। मुझे लगा कि बस शायद ये सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन लाइट बंद हुए हुए मेरे कमरे में अचानक मेरा कुत्ता ज़ोर ज़ोर से एक तरफ देख के भौंकने लगा, मानो उसे कुछ दिख रहा हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि मुझे उस वक्त वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था और ये देख के मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी बिल्ली को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लिया। मैं उस वक्त काफ़ी डरा हुआ था। मैंने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि मैं अपने कमरे में अपने अलावा इस वक्त किसी को भी नहीं देखना चाहता था कि तभी किसी ने मेरी पीठ पे 3 बार थपथपाया। बस ये काफ़ी था मेरे बेहोश होने के लिए। मैं तभी उसी वक्त अपने बेड पे ही बेहोश हो गया। उसके बाद न जाने कब मेरी आँख खुली, शायद रात के 3 या 4 बजे होंगे। मेरी आँख खुली तो मैंने को फिर से इस बार अपने पंखे की आवाज़ आई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोने से पहले मेरा पंखा बंद था। किसी ने या किसी पैरालोकिक चीज़ ने इसे चालू या बंद किया था। मुझे काफ़ी ज़्यादा न जाने क्यों नींद आ रही थी, न जाने कैसे मैं तब सो गया। ये सिलसिला न जाने क्यों अगली 3 रातों तक भी जारी रहा जब तक मेरे मम्मी पापा घर नहीं आए। और मैं इन 3 रातों में इतने डर डर के रहा कि शायद ही मैं रातों में सो पाता होऊंगा। जब मेरे मम्मी पापा घर आए तो मैं फ़ौरन अपनी दादी जी के पास चला गया और उनके साथ कुछ दिनों रहा। दादी जी को मैंने ये सारी घटनाएं बताई तो मेरी दादी जी ने मुझे एक तरकीब बताई। उन्होंने कहा कि अपनी छत पे नमक फेंक के आओ और अपनी खिड़की से बाहर प्याज काट के फेंक दो। ये मैं डेली रात में सोने से पहले करने लगा और सच मानिए इससे ये सब कुछ होना बंद हो गया। शायद आप सबको ये जान के इतना डरावना ना लगे, लेकिन मेरे साथ जब ये हुआ था तो मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था और मेरे डर को आप ऐसे शब्दों में नहीं समझ पाएंगे।
तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। तो चलिए, अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आज की अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें झारखंड से राजू ने भेजी है। अब मैं आगे की कहानी उन्हीं के शब्दों में बताऊँगा। ये घटना आज से करीब 2 हफ्ते पहले की है, और इस घटना के बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या वाकई में इस दुनिया में कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं। मैं उस दिन आराम से अपने जॉब करके घर आया हुआ था। मैं अपने बेड पे सो रहा था, मान लीजिए सोने की कोशिश ही कर रहा था कि मेरा अचानक से मन करा कि चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लिया जाए। फ़ोन पे मैं अपने दोस्तों से कुछ बातें करने लगा। कुछ देर फ़ोन चलाने के बाद मैंने फ़ोन फिर से रख दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगा। मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि मेरी आंखें इधर उधर घूमने लगी। कमरे को मैं चारों तरफ से देखने लगा। मैंने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की, और इस बार जो हुआ उस पे आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे ऊपर किसी ने बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारा, इतनी ज़ोर से कि मेरे गाल पर तुरंत ही निशान भी उभर आया। मैंने अपनी आँखें खोली और तुरंत उठ के इधर उधर देखने लगा, लेकिन चूंकि मैं अकेला रहता हूँ और मेरे घर में कोई था ही नहीं। एक बार को तो मुझे ये लगा कि मैंने सपना देखा है, लेकिन उसके बाद मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैंने ये सपना नहीं देखा, बल्कि मेरे साथ ये हकीकत में हुआ है। अगले दिन ही मैंने फ़ोन करके अपने मम्मी को बता दिया कि मेरे साथ पिछली रात क्या हुआ था। उन्होंने कुछ दिनों के लिए मुझे अपने पास बुला लिया। गाँव में जाते के साथ ही मुझे मेरी मम्मी एक ओझा के पास लेके गई। उस ओझा ने मैं जाते ही बता दिया कि अगर तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा ज़रूर। उसने मुझे एक तावीज़ दिया और बोला कि उसके बारे में सोचना छोड़ दो, जितना तुम उसके बारे में सोचोगे तुम उतना ही पछताओगे। ना मैं आपको उसके बारे में नहीं बता सकता। उस दिन के बाद तावीज़ पहनने के बावजूद मुझे डेली रात में डरावने सपने आने लगे। सपने में मैं देखता कि कोई मेरी रूम की खिड़की में से अंदर आ गया और मुझे अपने साथ ले जाने लगा, और जब मैं उसे मना करता तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता और मेरे ऊपर झपट्टा मार के मुझे खींच के ले जाता। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि वो जो बुरी शक्ति थी वो एक औरत की थी। ये सब कुछ मेरे साथ करीब 15 से 20 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद हमने घर में अपने पूजा करवाई। उसके बाद कुछ दिनों में ये सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हाँ, जब ये सब कुछ घटित हुआ था तब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। ये डर मैं आपको बता नहीं सकता। आज की अगली कहानी एक आदमी ने हमें भेजी है, जिसने अपना नाम बताने से मना करा है। वो बताता है कि ये घटना तब की थी जब वो मिडिल स्कूल में पढ़ता था। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उसके पूरे जीवन को ही हिला के रख दिया। अब मैं आगे की कहानी बिल्कुल वैसे ही बताता हूँ जैसे कि उन्होंने मेरे को बताई है। वो बताते हैं कि जब वो मिडिल स्कूल में थे तो उनके दो बहुत अच्छे दोस्त थे, रोहित और शिवम। वो तीनों का फ्रेंड्स का एक काफ़ी अच्छा ग्रुप था, जो कि डेली मिलते थे और काफ़ी देर तक बात किया करते थे। मैं आपको बता दूं कि हमारे घर के पास ही एक पहाड़ी है जहाँ पे हम अक्सर मिला करते थे। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो हम लोग अक्सर वहीं पे मिलते थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे घर वालों ने हमें परमिशन दे रखी थी कि हम वहाँ पे रात के 11 या 12 बजे तक भी रुक सकते हैं, तो हम वहाँ अक्सर डेली बैठ कर काफ़ी देर तक बातें किया करते थे, और ये घटना उन्हीं में से एक रातों की है। मैं रोहित के साथ पहाड़ी पे पहुँच चुका था और हम दोनों ने बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक शिवम वहाँ पे नहीं आया था। लगभग 1 घंटा हमने ऐसे ही बात करते करते निकाल दिया। फिर हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि एक बार क्यों ना शिवम के घर पे जाके देख ही लिया जाए कि वो अब तक क्यों नहीं आया है, क्योंकि वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। हम ऐसे ही बात करते करते पहाड़ी से उतरने लगे। मैं आपको बता दूं कि शिवम के घर पहुंचने से पहले हमें एक पार्क को पार करना था। तो जब हम पार्क के पास पहुँचे तो हमें एक बहुत ही अजीब चीज़ दिखाई थी। पार्क के झूले पर एक लड़की बैठी हुई थी बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में, और वो झूला झूल रही थी। उस समय रात के करीब 11:30 या 12 ही बज रहे होंगे। उसे देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने अपने बराबर में चल रहे रोहित से पूछा, ओए उधर देख वो क्या है।
उसने पहले मुझे देखा और फिर उसके बाद उसने ग्राउंड की तरफ देखना शुरू किया, और जैसे ही उसने देखा वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया और वहाँ से भागने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे वहाँ से भागते भागते हम दोनों वापस से पहाड़ी के सबसे ऊपर आ गए। हम पहाड़ी पे सबसे ऊपर जाने के बाद एक बार फिर से बैठ गए और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे कि आखिर हमने क्या देखा। कुछ देर और बीत गई और अचानक से वहाँ पर शिवम भी आ गया। हम दोनों भागते भागते उसके पास गए और हमने उससे पूछा, क्या तुम ग्राउंड वाले रास्ते से आ रहे हो? और उसने हाँ में उत्तर दिया। फिर हमने उससे पूछा, क्या तुमने झूले पे किसी बच्ची को झूलते हुए देखा? उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी और हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम अभी अभी उसे देख के आ रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो। और इतना कहकर हम शिवम के साथ उस तरफ चलने लगे। हम अपने शक को दूर करने के लिए वापस से ग्राउंड में जा रहे थे। हम ग्राउंड में जल्दी ही पहुंच भी गए और हैरानी की बात ये थी कि अब भी उस झूले पे वो बच्ची बैठ के लगातार झूले जा रही थी। बस हमने उसे देखा ही और तुरंत वहाँ से भाग के वापस पहाड़ी पे आ गए। उसके बाद पहाड़ी पे मैंने शिवम से पूछा, क्या तुम्हें वो दिखी? और उसने इस बार हाँ में उत्तर दिया और उसने कहा, हाँ मैंने उसका चेहरा भी देखा, वो हमारी तरफ देख के अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसकी ये बात सुन के मैं और ज़्यादा डर गया और रोहित भी। रोहित ने बोला कि मेरे को तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं उसका चेहरा देख ही नहीं पाया और वहाँ से सीधा उसे देखते ही भाग आया। हम लोग आधे घंटे तक करीब वहीं पे बैठे बैठे डरते डरते बैठे रहे और उसके बाद बड़ी मुश्किल से अपने घरों की तरफ रवाना हुए। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई और अगले दिन स्कूल में रोहित मेरे पास काफ़ी घबराया घबराया हुआ आया और उसने मुझे बताया कि शिवम को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है और उसकी मौत हो चुकी है। ये खबर सुनते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया और सबसे बया के एक हफ्ते तक मैं करीब स्कूल भी नहीं गया। और मुझे यही बात आज तक याद आती है कि उसने ही उस लड़की का सिर्फ मुंह देखा था, बाकी हम दोनों में से किसी ने नहीं। क्या यही था उसकी मौत का कारण या फिर ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, यह मुझे आज तक पता नहीं। लेकिन जब भी मैं सबके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानियाँ हैं जो आप चाहते हो कि YouTube पर आए, तो आप मुझे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर वो कहानियाँ भेज सकते हैं। मैं आपकी कहानियों को जल्द से जल्द YouTube पर लाने की कोशिश करूँगा। मैं अभिषेक आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।